हम एक बार बात कर लेते हैं, गाड़ी रेडी नहीं आ रही। चलो भाई, वो कह रही है, वहाँ से फ़ोन आया कि वो कह रही है गाड़ी रेडी हो चुकी है। अच्छा भाई, नए पार्ट्स लगे हुए हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि और लोगों की गाड़ी भी दिखाऊं तुम्हें, मॉडिफाइड गाड़ियाँ लेके घूमते हो। हाँ जी, क्या हाल है सबके? हो सारे बढ़िया ही होंगे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है आज शाम से। शाम के देखो कितने बज रहे हैं, टाइम देखो कितना हो रहा, 5:15 को व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और पापा भी आज चल रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि हेडलाइट के लिए बोलना है उसको। क्या पता वहीं पर जाके बोल दे, हो जाए कि हाँ भाई हेडलाइट हमें चेंज करवानी है। तो वो कह रहा था कि वैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे बोलो, तो हम वहीं चल के देखते हैं। वो जैसे पापा को बोलेगा वो वैसे ही कर देंगे। तो चलते हैं अभी और देखते हैं। और आज क्या कराया कुछ काम? कल तो कुछ उन्होंने काम शायद उन्होंने करा नहीं था, जहाँ तक मुझे लगा है। तुमने कल का ब्लॉग देखा होगा, तो उन्होंने कुछ काम करा नहीं था, ठीक है। और आज का देखते हैं उन्होंने क्या कराया। चलते हैं अभी। देखो पापा पेपर वेपर निकाल रहे हैं कुछ, तो चलो चलते हैं। चलो हाँ जी, तो चीतो अभी कॉम्पिटेंट से फोन आया पापा को, देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वैसे अभी आप वहीं पर हैं, हम एक बार बात कर लेते हैं। और गाड़ी रेडी कितनी हुई? अभी हम वहीं आ रहे हैं मारुति कंप्लेंट को। चलो गाइस, वो कह रही है वहाँ से फ़ोन आया कि वो कह रही है गाड़ी रेडी हो चुकी है। तो बैंगलोर ने करा क्या है? अभी तो अलॉय भी नहीं लाया मैं, अलॉय लाने है मुझे। मैं कल ही जाऊँगा, कल परसों निकल लूँगा मैं अलॉय लाने के लिए। चलो अभी चल रहे हैं, ठीक है। चलो चलो जी, चलो चलो चलो। एंड जी, तो फाइनली गाइज वी आर रीचिंग ऑन मारुति कॉम्पिटेंट। ये देखो पहुंच गए, अब पापा भी साथ हैं। अब जाके देखते हैं क्या काम हुआ है और क्या क्या बात करते हैं उससे। भाई अभी तो अलॉय भी नहीं लिए, इन्होंने तो पहली बोल दिया तैयार है। देखते हैं क्या होता है, जल्दी लाने पड़ेंगे अब तो अलॉय सही में। देखो पहुँच गए हैं गेट पे, और अभी तो मैं अंदर जाके मिलता हूँ। मुझे गाड़ी दिख चुकी है जो कि सामने खड़ी हुई है। देखो मतलब यहाँ पर जगह ही नहीं है भाई, ये देखो पूरा भर रखा। और देखो वो पीछे और गाड़ी है ना, दिखाओ तुम जूम करके। ये देखो, ये चलो जी देखते हैं क्या हुआ। उसमें पेपर वेपर हुआ है आगे, फाइल वाइल लगी हुई। ये देखो लौटनो सिस्टम, इसमें लगाना पड़ेगा अलॉय वगैरह। यार अलॉय नहीं है इसमें, देख रहे हो है? हाँ हाँ, हमें पता है हो गई है। पिन्नी उन्नी लगा रखी है अंदर, ये क्या रखा हुआ भाई? सिस्टम को ऑन करो जरा। अच्छा भाई, नए पार्ट्स लगे हुए हैं, मतलब ये कुछ नया पार्ट्स हैं जो लगाएंगे या फिर लगा चुके हैं, पता नहीं है। सिस्टम को तो बंद कर दूंगा जरा। लाइट क्या पढ़ रहे हो, क्या लिखा हुआ है? 13 जनवरी 2023 13 जनवरी, ओ भाई डिलीवरी डेट 13 जनवरी 2023। अभी तो लाने पड़ेंगे। कैसे रेडी हो गई? अभी एक दो दिन गाड़ी को ना यहीं खड़ा होना रहना पड़ेगा। हाँ जी, तो गाइज अभी बात करने जा रहे हैं हम वहीं नीचे इंश्योरेंस पे कि हाँ भाई कितना कॉस्ट बना है, अभी क्या क्या मतलब पूरी तरीके से रेडी हो गई है या फिर कुछ चीज़ रह रही है, क्योंकि हमें अलॉय भी लाना है। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं अंदर नीचे, जो कि तुमने फ्लेम प्रोसेस वाला अलॉय वो ब्लॉग देखा होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पर जा रहा हूँ मैं। ये देखो वो भाई, यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रही है गाइस, यहाँ तो सेलिब्रेशन हो रही है, बैलून्स वगैरह लगे हुए हैं। तो हम नीचे जा रहे हैं क्लेम प्रोसेस वगैरह, उनसे बात करेंगे, देखते हैं क्या बोलते हैं वो। चलो नीचे जा के ही है, यहाँ से सामने देखो हो रहा, देखो बंदा बैठा है वो सामने, तो इनसे बात करते हैं क्या रह रहा है। चलो बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं फिर बात करेंगे। हाँ सर, बात कराने के लिए बैठे, हम तो काम मना कर रहे हैं आपको। हाँ बताओ, क्या
बता दो अब क्या बना है अभी तक इसका। सर एक मुंह निकाल दो तो पलकों में निकाल दोगे भाई। यहाँ तो बोल रहा है 2 से 3 दिन का समय लग रहा है, और अभी फोन पे बोला था कि भाई खिलाड़ी रेडी होगी है, क्या है सर आप बताइए। सर अभी एक लाइट बहुत पुरानी लग रही है, एक नहीं लग रही है, तो बड़ी बेकार लग रही है। अच्छा अच्छा, तो उसको कैसे मतलब नहीं लगवाए तो आपकी जेब से आइए। क्योंकि उसमें ना बहुत डिफरेंट आ रही है, बहुत फर्क आ रहा है। तो जॉब का प्रिंट दिया डलवा दो है जी, डलवा दो। कल ऑर्डर जाएगी सर, कल ऑर्डर जाएगी, कल तक डल जाएगी। नहीं कल ऑर्डर जाएगा सर। अच्छा कल ऑर्डर जाएगा, फिर तो 2 दिन आएगा और एक्स्ट्रा। तुमसे 2 मिनट बात करता हूँ बाद में। हाँ जी, तो गाइस वहाँ से बात हो चुकी है और अभी पापा बात करने आ रहे हैं सर्विस के लिए, जो कि सर्विस भी होनी है, ठीक है ना, सर्विस भी होगी, मतलब पूरी चमका के देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर बात होगी, कोई मैम मैम बैठी है उनसे बात करेंगे सर्विस के लिए भी, ठीक है, चल चलते हैं। हाँ जी, तो गाइस अभी पापा बात कर रहे हैं, देखो अंदर बात कर रहे हैं सर्विस के लिए, ठीक है। और जो बात हुई है ना नीचे इंश्योरेंस वाले से, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ मुझे यहाँ से निकलने दो, ठीक है। और फिर गाड़ी वाड़ी की पूरी पूरी सी बात बताऊंगा जो मैं हुई है उससे, ठीक है, रुक जाओ। तो गाइस अभी मैं आया हुआ था गाड़ी के पास, और अभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो इंश्योरेंस वाले ने जो बताया ना हमें, तो मैं बताऊंगा अभी। और देखो अभी गाड़ी में क्या काम हुआ है, देखो इसका ये जो कवर है ना, कवर देख रहे हो ये अभी ये उस तरफ का लगा नहीं है, और इसका देखो साइड का अभी इन्होंने ठीक से भी नहीं लगाया, देख रहे हो तुम। और उस तरफ का भी दिखा दो, इधर को लगा ही नहीं भाई कवर, देखो कवर देख रहे हो तुम, इधर का लगा ही नहीं, तो अभी कवर लगना बाकी है। और इंश्योरेंस से मतलब किस चीज़ से फ़ोन आया था मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में। और बाकी गाड़ी अपनी हो गई है, ऑलमोस्ट तो कम्प्लीट हो ही गई है, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन तो मैं देता हूँ, अभी चलते हैं, अभी बाहर घर चलते हैं, पापा भी खड़े हुए हैं बाहर ही, तो अभी चलते हैं घर, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट अपडेट, चलो। हाँ जी, तो गाइज अभी हम घर पर आ गए थे तब, और मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या हुआ आज, क्या क्या बात हुई थी इंश्योरेंस वालों से। और सबसे पहले जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो फ़ोन आया था ना पापा को, वो ये नहीं था कि भाई गाड़ी रेडी हो चुकी है आ जाओ, वो फ़ोन उसका था सर्विस के लिए, वो कह रहे थे कि सर्विस भी करवानी है क्या आपको, अगर करवानी है तो हमें बता दो, हम साथ में सर्विस करवा के भी भेज देंगे। तो बस ये जो फ़ोन आया था तो ये वाली बात थी, तो हमने उनको कह दिया कि भाई सर्विस कर देना साथ में, मतलब 1-2 दिन और लग जाएंगे एक्स्ट्रा सर्विस के, तो बस सर्विस के लिए बोल दिया हमने। और जो बात इंश्योरेंस वाली बात रही, तो हमने बोला था, वो भी कह रहे कि 2-3 दिन लगेंगे अभी। और हमने फाइनली लेफ्ट वाली जो हेडलाइट जो गंदी हो रही थी ना, बहुत गंदी हो रही थी, मैं तुम्हें फोटो डाल दूंगा दोबारा अगर तुमने देखी हो तो हमने नई, मतलब उन्होंने हमने बोल दिया कि भाई नई लगा देना एकदम मस्त, जो नई राइट वाली जो लगाई है तुमने, तो वो पता है लेफ्ट वाली का क्लेम दे नहीं दे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उसमें कुछ हुआ नहीं है, कुछ डेंट वेंट पड़ा नहीं है ना, एक्सीडेंट पे उसमें कुछ असर पड़ा है, तो बस यही बात है कि लेफ्ट वाली पे क्लेम दे नहीं रहे, हमें अपने बजट में लगानी पड़ेगी वो हेडलाइट, तो हम अपने बजट में लगवा रहे हैं। और रही बात एलॉयज की, मैं तुम्हें बताता हूँ एलॉयज की बात ये है कि अभी घर में थोड़ा दिक्कत चल रही है, पैसे वैसे हैं नहीं, तो एलॉयज 2-3 दिन का वेट करो, बस 2-3 दिन वेट कर लो, बाकी फिर मैं पक्का, मान लो तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें, जनवरी की 1-2 तारीख को पक्का ले आएंगे हम एलॉय, ठीक है। और तब तक गाड़ी वहाँ खड़ी रहेगी कॉम्पिटेंट पे, बस यही बात है, तुम्हें यही बताना था, बस अपने भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। और ऐसी लगातार व्लॉग्स आते रहेंगे, और मैं रोज़ देखने जाऊँगा अभी व्लॉग्स, और मैं सोच रहा हूँ कि और लोगों की गाड़ी भी दिखाऊँ तुम्हें, अपने जहाँ पर ग्रुप्स हैं वो ले मॉडिफाइड गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उनके दिखाऊँ तो भाई गाड़ी कैसी हैं तुम्हारी, फीचर्स कैसे हैं, कौन कौन सी गाड़ी मॉडिफाइड करा रखी हैं, तुम मुझे कमेंट करके बताना।
और लोग बोल रहे थे कि यार अलर्ट जल्दी लो, बस दो तीन दिन का वेट कर लो, बस अपने भाई की खातिर दो तीन दिन वेट कर लो, फिर मैं पक्का ही ले आऊंगा, ठीक है, पक्का है, पक्का जनवरी में 1-2 तारीख को पक्का ले आएंगे, पैसे तब हो जाएंगे हमारे पास, मैं कर लूँगा इंतजाम, ठीक है, तो बाकी फिर ले आएंगे। और बाकी आज का व्लॉग यही था, और रोज के व्लॉग्स देखते रहना, मिस मत करना, तो बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय। याद से बता देना भाई कि दोस्तों की गाड़ी दिखाओ या नहीं, तुम्हें बताओ जल्दी कमेंट करके जल्दी।